नमस्कार, कल्चर वर्ल्ड कॉम के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पंजाबी स्टाइल बैगन का भरता बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। रोटी या पराठे किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं पंजाबी स्टाइल बैगन का भरता कैसे बनाते हैं, उसे बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। बैगन का भरता बनाने के लिए हमने एक बैगन, गोल वाला बैगन जो भरते का बैगन होता है, बैगन ले लिया है। एकदम अच्छे से हमने इसे चेक कर लिया है, जिसमें छेद नहीं है, जिससे कि अगर कहीं पर भी कुछ छेद वगैरह होता है तो उसका कीड़ा होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि हम इसे भून के बना रहे हैं तो हमें ये चेक करना बहुत जरूरी है। अच्छे से हमने इसे चेक करके ले लिया है। तीन हमने मीडियम साइज के टमाटर बारीक काट के ले लिए हैं। एक बड़े साइज का प्याज हमने एकदम बारीक काट के ले लिया है। एक आधा कप हमने हरे मटर लिए, ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं मटर तो डालें, इनको कम कर सकते हैं। एक चौथाई कप हमने हरी धनिया बारीक काट के ले ली है। दो तीन हमने हरी मिर्च बारीक काट के ले ली है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा हमने कद्दूकस करके ले लिया है। 10-12 लहसुन की कलियां हमने छील के और इसे कद्दूकस करके ले लिया है। इसके लिए मसालों में हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च लिया है, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च भी डाल रहे हैं तो इसलिए हम लाल मिर्च थोड़ी कम डालना है। अगर आप हरी मिर्च नहीं डाल रहे तो लाल मिर्च की मात्रा उसी अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। 1/2 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, 1/4 चम्मच हमने ये जीरा लिया है और 2 चुटकी के करीब हमने हींग लिया है। बस इतने ही मसाले हमें चाहिए। इसके अलावा हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल यूज करेंगे और स्वाद अनुसार नमक यूज करेंगे। तो चलिए भरता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बैगन को भून के तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं या उबाल सकते हैं या फिर गैस के ऊपर डायरेक्टली भून सकते हैं। तो हम आज इसे गैस के ऊपर भून के बनाएंगे। भूनने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल, कुछ बूंदे सरसों का तेल लगा देते हैं। इस तरह से बैगन को हमने गैस के ऊपर रख दिया है डायरेक्टली। इस तरह से एक हमने स्टैंड रखा है कि हम इसे कुछ गर्म बर्तन रखने के लिए स्टैंड रखते हैं। स्टैंड है अच्छा, मीडियम कर देते हैं। हम बैगन को हर तरफ से घुमा घुमा के चिकन अच्छे से बैगन को हम बार बार हर तरफ से घुमाते रहेंगे क्योंकि इक्वली सब तरफ से पक गया। ये बैगन हमारा सब तरफ से भून गया है। गैस बंद कर देते हैं, तेल को अच्छे से गर्म होने, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम हींग और जीरा डालते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज मीडियम कर देते हैं। प्याज को हल्का गुलाबी कर देते हैं। प्याज हल्का सा भून गया है, इसमें हम अदरक और लहसुन डाल देते हैं, हरी मिर्च भी डाल देते हैं, इसे इसके साथ ही हम भून देते हैं। ये हरे मटर भी हम इसमें डाल देते हैं, इसलिए भी साथ में पक जाए। जब तक हमारा प्याज भूनता है बैगन को छिलके साफ कर लेते हैं। बैगन का छिलका निकल जाएगा बहुत ही आसानी से, इस तरह से निकल जाएगा। डाल देते हैं ऊपर से बैगन को हमने छील लिया है, इसे किसी बॉक्स से या फिर स्मैशर से अच्छे से मैश कर लें। बैगन में मैश कर लिए, इसे साइड में रख देते हैं। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, ये हो गया है, हमें इसे जब तक ये मटर ना पक जाए तब तक पकाना है। पैन का ढक्कन हम बंद कर देते हैं और इसे 2-3 मिनट तक इसे पकने देते हैं कि मटर पक जाएंगे। ये मटर भी पक गए हैं, अच्छे से मैश हो रहे हैं। इसमें हम मसाले डाल देते हैं, हल्दी पाउडर डाल देते हैं, डाल देते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ये टमाटर डालेंगे। 3 हमने मीडियम साइज के टमाटर बारीक काट के लिए हैं। टमाटर के साथ ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं और टमाटर के गल जाने तक हम इसे पकाएंगे। पैन एक बार हम पैन का ढक्कन फिर से बंद कर देते हैं। 2-3 मिनट तक हम इसे इस तरह से ढक के पकाएंगे जिससे टमाटर गल जाए। ये बैगन की भरते का मसाला हमारा बन गया है, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, तो
बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें ये मैच करा हुआ बनाएंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। अच्छा ये भरता दिख रहा है एकदम कलरफुल। पैन को हम ढक के 3-4 मिनट तक मिक्स कर देंगे। ये बैगन का भरता हो गया है, इसमें हरी धनिया डालेंगे। ये बैगन का भरता बनके तैयार हो गया है, बहुत ही स्वादिष्ट बना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और आपने देखा कितनी आसानी से ये बहुत ही स्वादिष्ट बैगन का भरता बनके तैयार हो जाता है। ये पराठे के साथ, रोटी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप भी इसे बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।